आपने कई बार इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के ऑफिसर या सोल्जर को सैल्यूट करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी उनको सैल्यूट करते हुए ध्यान से देखा है? दरअसल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में सैल्यूट करने का तरीका डिफरेंट है, और आज हम लोग इसी डिफरेंस को डिटेल में आज की वीडियो में समझेंगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सैल्यूट रोमन टाइम से चला आ रहा है, पर इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। वहीं दूसरी थ्योरी बोलती है कि सैल्यूट का कॉन्सेप्ट मेडिवियल यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था। पर आखिर सैल्यूट क्या है? अ सैल्यूट इज अ जेस्चर और अदर एक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले रिस्पेक्ट। हर कंट्री में सैल्यूट करने का अलग तरीका है। वैसे तो सैल्यूट मिलिट्री से एसोसिएटेड है, पर सैल्यूट का यूज सिविलियंस या अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। इंडियन आर्मी के सैल्यूट करने का तरीका है खुली हुई हथेली को माथे पर रखना, विच इज टू रीइंस्टेट ट्रस्ट बिटवीन टू और मोर आर्मीज। इसका मतलब ये है कि वह कोई वेपन कैरी नहीं कर रहे हैं एंड दैट ट्रस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन देम। अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट के बारे में। एयरफोर्स यानी वायुसेना का सैल्यूट ओपन पाम एट 45 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड होता है। इंडियन एयरफोर्स इससे पहले इंडियन आर्मी की तरह ही सैल्यूट करती थी, जो कि ब्रिटिश टाइम से ही फॉलो किया जा रहा था, पर 2006 में इसे बदल दिया गया। और इस बदलाव के कारण हर एयर वॉरियर को, भले ही वो यूनिफॉर्म में हो या नहीं, उसे अपने सीनियर को 45 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड सैल्यूट करना होता है। एंड लास्ट में है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में सैल्यूट ओपन पाम फेसिंग द ग्राउंड, जो हाथ को 90 डिग्री एंगल नीचे की पोजीशन में रखकर किया जाता है। इस सैल्यूट के पीछे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ड्यूरिंग द ओल्ड डेज, सीलिंग ऑफिसर अपने हाथों को ऑयल एंड मड से बचाने के लिए ग्लव्स पहनते थे, बट ग्लव्स एज यू कैन इमेजिन वुड हैव टर्न्ड डर्टी। तो ऑफिसर्स अपने सीनियर को ऑफेंड ना करने की वजह से अपने हाथों को 90 डिग्री जमीन की तरफ रख के सैल्यूट करने लगे। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द सैल्यूट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। अब लास्ट में देख लेते हैं इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के सैल्यूट करने के तरीके को। तो इंडिया में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, इन सभी में सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी के सैल्यूट जैसा ही है। मतलब सैल्यूट खुली हुई हथेली को माथे पर रखकर किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है, तो अब आप पक्का किसी भी ऑफिसर या सोल्जर को सैल्यूट करते हुए ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।